iPhone 14 Pro Max आ गया मेरा। हे गाइज, मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने फैमिली के साथ अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, बहुत ही खुशी का दिन है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मुझे एप्पल प्रोडक्ट्स का कितना ज्यादा शौक है और मैं एप्पल की बहुत बड़ी फैन हूँ। और मुझे फोन अपग्रेड नहीं करना था टू बी ऑनेस्ट, बट वो होता है ना कि अंदर से मुझे वो चुल मची हुई थी कि अरे यार कर लेते हैं। और जैसा आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, तो ये फोन मुझे ऑलमोस्ट फ्री में मिला है, तो वो सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। तो मैंने सोचा क्यों ना अपग्रेड कर ही लिया जाए, क्योंकि ये फोन जो है ई सिम कंपैटिबल है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि लूं ना लूं क्या करूं, पर एट द एंड मैंने अपग्रेड कर लिया। आईफोन 14 प्रो मैक्स का ये बॉक्स है जो कि आज घर पे डिलीवर हो गया, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या है और कैसा है फोन। तो चलिए मैं आप लोगों को ये फोन खोल के दिखाती हूँ। खोलते हैं और ये रहा आईफोन 14 प्रो मैक्स। डब्बे के कलर से आप लोगों को पता चल गया होगा कि गोल्ड कलर का है ये, और देख सकते हो आप, तो डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ये फाड़ो इसे, यहां से निकालते हैं इसे, फोन जगमगाता हुआ गोल्ड कलर का फोन। जो पर्पल है इनका वो थोड़ा डार्क कलर का है, जो कि आपको ग्रेश ब्लैक कलर का दिखेगा सामने से, तो मैंने सोचा गोल्ड ही ले लेते हैं। वैसे तो यूनिक कलर था पर्पल, बट अगेन मेरे पास 12 प्रो मैक्स जो था वो गोल्ड कलर का था, उसके बाद मैं 13 प्रो मैक्स मैंने जो सियरा ब्लू था वो यूज़ किया, फिर मैं वापस गोल्ड पे आ गई हूँ। गोल्ड की एक अलग ही बात होती है, तो मैंने सोचा गोल्ड लिया जाए। और अगर बॉक्स की मैं बात करूँ तो हमेशा की तरह ये लाइटनिंग केबल, फिर बॉक्स के अंदर एप्पल का जो लोगो देते हैं, यहाँ अमेरिका में जो भी आईफोन 14 प्रो मैक्स सीरीज 14 के जो फोन मिल रहे हैं वो सारे ई सिम वाले हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो सिम ट्रे आपको कहीं नजर नहीं आएगा, वो हटा दिया है। ये है 13 प्रो मैक्स और ये है 14 प्रो मैक्स। दिखने में आपको खास डिफरेंस नजर नहीं आएगा, बस इसका कैमरा थोड़ा उभरा हुआ है बाहर की ओर, तो बाकी ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं, देख सकते हो आप, तो इस फोन में और इसमें दिखने में कोई खास चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। और सामने से भी गाइज ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। मायरा का हाथ मेरे हाथ पे, जब मायरा हुई थी उस दिन की फोटो है ये। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायनेमिक आइलैंड ऐड किया है 14 प्रो मैक्स में, इसमें ये नहीं था। 13 प्रो मैक्स से मैं सारा डेटा इधर ट्रांसफ़र कर रही हूँ, आप देख सकते हो। कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद है बताना नीचे कॉमेंट करना। तो चलिए फटाफट मैं सेटअप करती हूँ। तो गाइज ये वीडियो आप लोग 14 Pro Max के बैक कैमरा पे देख रहे हो और इस पे मैंने 0.5 जो जूम आउट है वो ऐड किया हुआ है। सो अभी हम लोग निकल गए हैं बाहर कुछ शॉपिंग करनी है। अब मैंने एक्शन मोड ऑन किया है, 1x पे एक्शन मोड है, 2x पे है एक्शन मोड ये रोड पे, और ये 3x है, तो आप देख सकते हो क्वालिटी वगैरह। देखिए गाइस कितने सारे लोग आए हुए हैं इस मॉल में मेफेयर। वीकेंड है, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है बाहर। लोग आ गए हैं कॉफी पीने, मेरा फेवरेट प्लेस कलेक्टिवो। जनरली मैं आगे बैठना चाहती थी पर देखिए भीड़ कितनी है, कॉर्नर सीट ढूंढते हैं। कॉफी आने में 15-20 मिनट लगेंगे। और जो भी आप व्लॉगिंग देख रहे हो ये 14 प्रो मैक्स का है। हमने लिया है बेगल और इधर अमोद का है, ये स्प्रेड है, क्रीम चीज स्प्रेड, उसको बेगल पे लगा दूंगी। निकल जा भाई, और इस पे लगा के एक्चुअली लंच हमने बिल्कुल भी नहीं किया, घर पे सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो सोचा थोड़ा बहुत बाहर खा लेते हैं, थोड़ा बहुत क्या प्रॉपर लंच ही है समझ लो आप। मुझे फोन कैसे फ्री में मिला इस पे चर्चा करते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी प्रूफ के साथ। सो मेरे पास 13 प्रो मैक्स है जैसा मैंने दिखाया, तो बेसिकली मैं इसको बेच रही हूँ। अब आप बोलोगे कि 13 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स का प्राइस सेम तो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सेम तो नहीं है, तो इसीलिए फ्री कैसे हो सकता है? तो उसमें काफ़ी सारा डील और जुगाड़ डाला है हमने। तो सबसे पहले तो मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स बेचा है, वो कितने में बेचा है सब प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मार्केट प्लेस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे। उसके बाद चेज का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, चेज क्रेडिट कार्ड रहने पे चेज वालों ने $25 उस पे दिया है,
तो $25 मुझे वहाँ मिले। फिर यहाँ पे एक रकुटन करके वेबसाइट है जो कि अलग अलग वेंडर्स पे आपको डिस्काउंट देती है। तो जिस दिन मैंने फ़ोन ऑर्डर किया उस दिन वहाँ पे $25 का डिस्काउंट था। वो कैशबैक देते हैं बेसिकली, आपको एक दो महीने के बाद चेक भेजते हैं। फिर विजिबल का जो ऑफ़र था, सबसे बड़ा ऑफ़र था, वो था $300 का वो गिफ्ट कार्ड आपको देंगे। और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस थे गिफ्ट कार्ड के लिए, जैसे कि अमेज़ॉन था, टारगेट था, ये सारे बहुत सारे स्टोर्स थे जिसका आप गिफ्ट कार्ड ले सकते हो। तो वहाँ पे 300 ऐड कर लो। उसके बाद विजिबल वाले मुझे बीट का ईयरबड्स यानी कि ईयरफोन्स देंगे, तो वो भी बिल्कुल नया देंगे, तो वो भी मैं मार्केट प्लेस पे बेच दूंगी, तो उसका भी मुझे कैश मिल जाएगा, राइट। तो उसका भी अगर मैं कैश ऐड कर दूं, वो मिनिमम मुझे $50 तो उसका मिल ही जाएगा, $50 का वो बिक जाएगा मार्केट प्लेस पे। रकुटन, अगर आप लोग US में या कोई शॉपिंग करते हो तो मेरा सजेशन है कि आप एक बार रकुटन जरूर चेक कर लेना। बहुत अच्छा था डिस्काउंट देते हैं, ऐसा नहीं 10% 12% ऐसे भी देते हैं। और रकुटन अगर अकाउंट बनाना चाहते हो तो मैं नीचे रेफरल लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग उसके थ्रू अगर बनाते हो अकाउंट तो मिनिमम आपको उसमें $30 मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक से ओपन कराओगे। देर किस बात की, जाइए रकुटन में अपना अकाउंट ओपन करिए और पैसे पैसे कमाइए। बेटू कहाँ है? मम्मा आ गई। मम्मा आ गई। दीदी मिर्च में बेटू एक्साइटेड हो गए? उधर कुछ नहीं है, वहाँ पे है, आप शूट हो रहे हो। हाँ मम्मा तो बहुत मच की बेटू को। 12 बजे सोई थी, अच्छे से सोया बेटू। हाँ। बाहर जाती हूँ मायरा को घर पे छोड़ के, तो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मायरा को। बाल नहीं बेटू, मम्मा का बाल नहीं नो बन कर तो। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं। इस फोन को मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे बेच रही हूँ, कस्टमर मुझे मिल चुका है। अभी हम लोग वहीं निकले हुए हैं, जा रहे हैं इसे बेचने के लिए। सो बेसिकली मैं इसे $800 के अराउंड बेचना चाह रही थी। अभी ब्लैक फ्राइडे का डील वगैरह सबने ले लिया तो टाइम सही नहीं है, तो मुझे 800 के लिए कोई नहीं मिला, तो 750 पे मैं इसे बेच रही हूँ। इस फोन को आज करते हैं बाय बाय। कहीं पे भी कुछ भी सेल करना या लेना होता है तो हमेशा पब्लिक प्लेस पे जाना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो किसके दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार छीना झपटी हो जाती हैं चीज़ें, वैसे कम होती हैं, बहुत कम, बट स्टिल हो जाती हैं, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा पब्लिक प्लेसेस पे जाना प्रेफर करती हूँ, और जहाँ पे CCTV कैमरा हो वो बहुत ज़रूरी है गाइज। सो गाइज, अब बात करते हैं कि टोटल मुझे कितने पैसे मिले, कहाँ कहाँ से मिले, और ये फ़ोन मुझे कितने का पड़ा, कैसे फ्री हुआ। तो $350 मुझे विजिबल वालों की तरफ से मिल गया, $25 मुझे चेस क्रेडिट कार्ड की तरफ से मिल गया, और $25 मुझे रकुटन की तरफ से मिल गया। तो अगर ये सब कुछ ऐड कर दूं तो $400 बन जाता है, और $750 मुझे पुराने फोन का मिल गया, तो टोटल हो गया $1150। तो इतना ही मुझे नए फोन का पड़ा गाइज, तो ये फोन मेरा बिल्कुल फ्री में हो गया। ऑलराइट गाइज, मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट बाय।